585 में चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने मीडिया के सामने आकर भाजपा में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की असली वजह भी बता दी है। दरअसल चंपई सोरेन ने बीते सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और भाजपा में जाने की अटकलें तभी से लगने लगी थी, जिसके बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा था कि मैंने सोचा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा या नया संगठन बनाऊंगा, लेकिन समय कम रहने के कारण ऐसा नहीं कर सका। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर हमारा विश्वास बढ़ गया और फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला ले लिया। उन्होंने कहा कि जनता ने भी इसके लिए हमें समर्थन दिया है, वही अब भाजपा में मेरे साथ मेरा बेटा भी शामिल होगा। हमने पहले जब आए थे 18 तारीख को हमने अपना पोस्ट हम दे दिया था। पार्टी में हमसे सीनियर एक है जो स्वास्थ्य गुरु जी है, स्वास्थ्य खराब है बोल नहीं पाते हैं, इसीलिए हमने कुछ नया अध्याय शुरू किया है और नया अध्याय पहले तो सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला उसका मांग तब हम बोले सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। पहले तो हम सोचा था संगठन बनाएंगे नया, समय का कमी और झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हमारा मंथन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का उनका विश्वास, उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया।